Assalamualaikum viewers, मैं हूं आपका होस्ट गुलाबजार और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो एक्सपर्ट एडवाइजर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपनी सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने कितनी एंटीने लगाई हैं और इसके ऊपर कितने चैनल्स आ रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाक सेट के ऊपर एलएमबी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए जिससे आपका बोल चैनल जो सारे हैं वो आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास बोल चैनल नहीं आ रहे होते। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि किस तरह मैंने सेटिंग की हुई है सारी एंटीनों की और कितने चैनल मेरे पास आ रहे हैं। जी दोस्तों, ये मैंने इस एंटीने के ऊपर तीन एलएमबियां सेट की हुई हैं। एक के ऊपर तकरीबन 160 चैनल आ रहे हैं, जो दूसरे है उसके ऊपर, जो फ्री टू एयर की बात कर रहा हूँ, दूसरी एलएमबी के ऊपर 60 चैनल आ रहे हैं फ्री टू एयर, और तीसरे एलएमबी के ऊपर तकरीबन 40 चैनल फ्री टू एयर आ रहे हैं। एक लगा हुआ है 66 ईस्ट के ऊपर, जिसके ऊपर सोनी पैकेज एक्स मैक्स HD, और ये वाली जो लगी हुई है ये 52 डिग्री ईस्ट के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर 160 चैनल आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चैनल हैं फ्री टू एयर, 160 चैनल है, सारे के सारे फ्री टू एयर हैं। और जो 66 ईस्ट है उसके ऊपर सोनी पैकेज है, शानदार सिनेमा है, बंगाली इंटरटेनमेंट चैनल है, यहाँ पे तकरीबन 60 चैनल टोटल हो जाते हैं फ्री टू एयर, जो बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। और जो 68 डिग्री यहाँ पर HBO और मैक्स चैनल हैं। तो जो ये वाला एंटीना है ये मैंने चलाया हुआ है बिग टीवी के ऊपर, और सन टीवी है, ये दोनों एक ही जगह पर रिसीव होते हैं, लाइन के ऊपर अवेलेबल है। ये फॉरएवर का जो रिसीवर है, जितने भी फॉरएवर का सर्वर है उस सब के ऊपर कुछ चैनल ऐड हो गए हैं इसके अंदर। आप HD चैनल चेक कर सकते हो, थोड़े से चैनल ऐड हुए हैं और इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर सारे चैनल्स ऐड हो जाएंगे फॉरएवर सर्वर के अंदर, और सी लाइन के ऊपर भी काम करता है। जो ये वाला एंटीना मेरा है, आप जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये NSS 95 ईस्ट के ऊपर सेट है, और यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 चैनल फ्री चल रहे थे, बाकी सी लाइन के ऊपर चल रहे हैं। ये एशिया सेट के ऊपर सेट है, एशिया सेट सबको पता है, हर बंदे एशिया सेट लगाया हुआ है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, यहाँ पे कौन कौन से चैनल फ्री हैं ये तो हर बंदे ने घर में लगाया हुआ है। और इसका जो साथ वाला आप देख रहे हो, साथ में एक LMB छोटी लगी हुई है, उसके ऊपर 88 ईस्ट मैंने सेट किया हुआ है। और ये एंटीना पाक सेट के ऊपर सेट है, यहाँ पे तकरीबन 80 से प्लस चैनल, 90 तक चैनल आ रहे हैं मेरे पास। ये बोल एंटरटेनमेंट के फुल सिग्नल हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर बोल एंटरटेनमेंट भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बोल एंटरटेनमेंट के सिग्नल आ रहे हैं, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो LMB है इतनी अंदर होनी चाहिए, आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर कि बाज़ लोग जो है ना LMB को बाहर रखते हैं, जिसकी वजह से बोल एंटरटेनमेंट के चैनल नहीं आ रहे होते। यहाँ तक आप लोगों ने अंदर करना है, बैक से भी देख लो, ये देखो यहाँ तक इतना आपका होना चाहिए कि जो लिखाई है वो उसको अंदर होना चाहिए, बिल्कुल लिखाई से भी थोड़ा सा ऊपर अंदर होना चाहिए, आपका बोल एंटरटेनमेंट के फुल सिग्नल आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के तकरीबन 80-90 चैनल हैं और फुल सिग्नल है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये मेरी सेटिंग थी जिसके ऊपर मैंने काफ़ी एंटीना के ऊपर सेटिंग की हुई है। ये सारे चैनल कुल मिला के 3000 से प्लस हो जाते हैं, लेकिन इनमें जो फ्री टू एयर है वो तकरीबन 500 से ऊपर नीचे हैं, जो फ्री एंटरटेनमेंट के चैनल हैं। इसमें फुल HD चैनल भी हैं और SD चैनल भी हैं। आप इस एंटीना की सेटिंग इस तरह कर सकते हो, तो मैंने दिखाया इसलिए ताकि केबल से हज़ार गुना बेहतर, केबल के ऊपर पैसे ज़ाया मत करो, एक दफ़ा पैसे खर्च करो और तकरीबन 500 से प्लस फ्री टू एयर चैनल आप देख सकते हो। और अगर आप सी लाइन यूज़ करते हो तो फिर ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें।